Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ पे, ओके? अभी ये लोग बताएंगे रूम का रेंट कितना है, और आप लोगों ने ये होता है वॉशिंग मशीन कहाँ से लिया है, आपको होता मिला ही है क्या वॉशिंग मशीन? मशीन सेकेंड हैंड है अपना, उसका ऑफर ये है कि जितने दिन हम यूज़ करें तब यूज़ कर सकते हैं, और जब हम जब भी हम वापस देंगे तो उसका हम लोग जितने पैसे देके खरीदे उसका आधा रेट हमको वापस मिलेगा। अच्छा। तो ये फ़ायदा वॉशिंग मशीन का है। और रेंट कितना देते हो? रेंट 15,000 देते हैं, और कचरे का देते हैं, वाटर बिल बनते हैं। अच्छा, वाटर बिल कितना आता है? वाटर बिल 500 आता है। और कितने भी म्यूनसिपालिटी का? 50 रुपीज़। हाँ, तो ओवरऑल पर कितना खर्चा आ जाएगा? पर हेड 3,110 रुपीज़। नहीं, पर हेड का नहीं पूछ रहा हूँ, लाइक ओवरऑल 15,550 रुपीज़। तो गाइज, अगर आपको होता है बेंगलोर में कोई फ्लैट व्लैट देखना है तो 15,000 में आपको फ्लैट आ जाता है, और आपको डिपॉजिट वहीं होता है 80,000 प्लस, ओके, या इससे भी कम अगर आप जो 2 BHK लेते होते हैं। अगर उस 1 BHK की तरफ जाते हो तो वहाँ पर डिपॉजिट 40-50,000 रुपये होती है। तो ये देख सकते हैं, ये 2 BHK है ना? 2 BHK है ना? 2 BHK। अच्छा, सर 15,000 अगर तुम अगर 5 लोग रहते हो तो मतलब उसके सही है। देखो यहाँ पे मुकेश का किचन है, ये किचन है देख सकते हो, अच्छा खासा स्पेस है किचन का। एक सामने बड़ा सा हॉल है, सब कच्चे उच्चे होने कितना। और ये एक यहाँ पे लॉबी टाइप की भी है, लाइक यहाँ पे आप आ सकते हो, थोड़ा ये कर सकते हो यहाँ पे देखो, और यहाँ से कुछ नीचे ऐसा दिखता है। ये एक्चुअली में 2 BHK का है, तो आप देख सकते हो जो सामने भी फ्लैट है यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो होता है 15,000 का यहाँ पे रूम है। और इन लोगों ने अभी ये भी, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे जो 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोगों ने मिल के अपना एक जो वॉशिंग मशीन भी ले लिया है सेकेंड हैंड। तो ये देखो अच्छी खासी वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, और एक से यहाँ पे देखो ये लोग अपना काम वाम कर रहे हैं। और अरे मुकेश रूम दिखा, देख सकते हो, तो ये बहुत बड़ी रूम है। अच्छा, मनोज रहता है छोड़, तो यहाँ पे 2 लोग रहते हैं, और अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ से वॉशरूम यहाँ से अटैच है। अच्छा खासा है ना, तुम्हारे घर का ब्लॉग बन रहा है भाई, वॉश बेसिंग है भाई। अरे वो भी देखो, आप गीजर भी है, किचन बहुत गंदा है। अच्छा, मैं उसको हीट रखा था, साफ कर दूंगा। और ये देखो, ये है इनका रूम, रोज अच्छा खासा रूम वो नहीं है। तो यहाँ पे, अरे इसमें भी अटैच है क्या? हाँ, इसमें एक तो बहुत बढ़िया है। वो इधर वेस्टर्न है, इधर इंडिया है, वो आ चुका है भाई। देख रहे हो यहाँ पे चड्डियाँ भी लटक रही है, और चड्डिया का मतलब समझ लो बॉयज़ हॉस्टल में आप आ चुके हैं, आपका स्वागत है बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे सरप्राइज विजिट था, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं फिर से आना, जब होता है रूम वूम साफ हो जाएगा तो फिर से दिखाना, बट लोगों को जब दिखाना था भाई, आफ्टर बिफोर भी डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो। अच्छा अच्छा, तो आता हूँ अगली बार, ठीक है, अच्छा बाय। तो यहाँ पे अपना काम हो चुका है, और देखो नीचे भी मैं दिखाता हूँ यहाँ की पार्किंग वगैरह कैसी होती है। सही, इनकी पार्किंग है, ये वाली पार्किंग है, उस बहुत अच्छा खासा स्पेस है राइट यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अपने बाइक वाइक को भी आप जो पार्क कर सकते हैं, अगर जो 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर को भी पार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, और नो पार्किंग चार्ज। ओके, तो चलते हैं आगे, और वहाँ पर बाय गाइस। तो यही था आज का ब्लॉग, आज का होम टूर था, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि आगे क्या। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय।